ये इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज के नाम से है, और सबसे ऊपर आपने देखा कि जी इंग्लिश लिटरेचर ही दिया हुआ उन्होंने। आप इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद, अच्छा अगर आपने अभी तक नहीं की तो 2 मिनट लगते हैं आपको डाउनलोड करने में, कर लीजिए। इसमें ऑप्शंस आ रही हैं जी, टेक क्विज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, सॉल्व एमसीक्यूज, बुकमार्क एमसीक्यूज और शेयर ऐप नाउ। इसमें करना आपने ये है कि जो सॉल्व एमसीक्यूज है ना वो आपने ओपन अप करना है, ठीक है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है, टेक क्विज है, या जितने भी हैं उनमें सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको क्या करना होगा जी, पहले आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको तीनों ऑप्शंस पढ़ना पड़ेंगी, एंड देन यू विल मूव ऑन टू दी करेक्ट आंसर, जो कि कह लें कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल नहीं होता, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो जिस स्टेज पर आप लोग हैं, आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें पहले से आती हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इसी में जाकर सॉल्व एमसीक्यूज उसको आपने खोलना है, और उसमें से फिर देर आर 19 कैटेगरीज, 19, और पहले नंबर पर है जी फेमस प्ले राइट, पोएट एंड अदर्स, दूसरे पे जी फेमस, दूसरा पार्ट इसी चीज़ का है, तीसरा पार्ट इसी चीज़ का है, चौथा है, फिर अमेरिकन लिटरेचर पर है, सिक्स है जी एजेस, एरा, पीरियड, फिर इसी तरह से लिटरेरी थेरी एंड क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी स्टडीज जो हैं उनका इंट्रोडक्शन है, लिटरेरी थेरी, ये सारे के सारे पोर्शन उन्होंने बनाए हुए हैं। आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आप 1 वीक के अंदर अंदर इस पूरी ऐप को जो है ना वो रट लें, और करना आपने सॉल्व वाली जो एक्सरसाइज है ना वहां से। अगर आप इसको 3 बार पढ़ लेते हैं ना, इस ऐप को मतलब रिवीजन करते हैं इसकी, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, ये तो हो गया हमारा लिटरेचर पोर्शन, ठीक है। इसमें मैक्सिमम हमारी चीजें जो है ना वो कवर हो जाएंगी। वैसे तो जो आपने पहले कर रखा है ना वो उसका भी आपको पता चल जाएगा, अच्छा भी ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये भी, जो नहीं पता होगा वो पता चल जाएगा, जहां पता होगा वहां एतमाद की फिजा बेहतर हो जाएगी, नंबर वन। इसके साथ मैंने आपको कोई चीजें सेंड करनी है, एक पीडीएफ बनाकर, जिसमें हम सेंटेंस कंप्लीशन, एनोलॉजी, करेक्शंस, कुछ खास प्रोवर्ब्स, पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स, वो एक मतलब होगी, एक मेरी गुजारिश है कि जो मैं आप लोगों की खिदमत जो है ना वो उसमें पेश करूँ ना, वो आपने पढ़ना जरूर है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने उसको स्किप नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, बाद में आपने नहीं कहना कि सर टेस्ट पास नहीं हुआ, सर ये हो गया, सर वो नहीं हुआ, आपने देन वी शुड बी डूइंग आर सम ऑफ द वोकैबुलरी थिंग ना, जो वोकैबुलरी मैंने शेयर की हुई है आप लोगों से, कम अज कम वो वाली वोकैबुलरी आपने जरूर कर ली वो, और उसके साथ 30 60 60 वर्ड्स और हैं, वो भी मैंने आपको एक अलहदा से पीडीएफ में जो है ना वो सेंड करनी। आपने कोशिश ये करनी है कि ना सिर्फ आंसर, करेक्ट आंसर, बल्कि जो वोकैबुलरी के साथ, तो फॉर एग्जांपल एंटोनिम आ जाता है कोई, और उस वर्ड के साथ नीचे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो चारों ऑप्शंस आपके लिए होने चाहिए। अगर वो भी आप कर लेंगे तो श्योर शॉट है कि आपके जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है ना, जो हमें लेक्चरशिप में आना है, 10 नंबर का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है, 5 5 करके वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको दे सकते हैं। तो एक तो वो वाला जो है ना पोर्शन, आपने अगर ये दो काम आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 60% तक पेपर आपका जो है ना वो कवर हो गया। रह जाती है बात लिंग्विस्टिक्स की, लिंग्विस्टिक्स के जो लेक्चर हैं, जो लोगों ने नहीं लिए उनको जाहिर है वो सेंड कर देंगे, क्योंकि वो पहले हो गए थे, तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, मैं वंस अगेन कहूंगा कि जितना आपको कराया गया ना, सिर्फ आप इतना ही रिविजन कर लेना। मैं इस पर रिपीटेडली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, सर देखें देर आर 10 टॉपिक्स, आपने 8 करा दिए हैं, 2 नहीं कराए, तो इन दैट केस आप वो जो 8 किए हैं ना वो भी तैयार नहीं करते कि जी पहले सारे हो जाए फिर मैं रिवीजन के प्रोसेस से, तो
गुजरूंगा या गुजरूंगी। तो आप ने तवक्कल पक्का करना है आपको, और यकीन रखना है कि जो आप कर रहे हैं इसी में से आएगा और ऐसा ही होगा। समटाइम्स जब आप स्केप्टिक हो जाते हैं कि एक टॉपिक नहीं किया, 9 टॉपिक्स कर लिए हैं, तो एक ना किया तो बाकी भी जाते रहेंगे, तो वो आप डाउटफुल होकर, और जहाँ शक आता है वहाँ इल्म नहीं ठहर सकता, ये बात याद रखें। इल्म के लिए ज़रूरी है, अब ये वो हम दूसरे वाले इल्म की बात नहीं कर रहे, तो डाउटफुल नहीं होना हम। ओके, ये हमारा 80% इस तरह से जो है ना वो लिंग्विस्टिक्स में से क्वाइट पॉसिबल कि 10 नंबर का पेपर आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि पोर्शन अब उन्होंने ना बड़े खोल दिए हुए। जब 100 नंबर का पेपर आता होता था ना जी, उस वक्त होता था कि जी 20 से 25 नंबर का पेपर वो दे देते, 20 नंबर का पेपर वो लिंग्विस्टिक्स वाले पोर्शन में से दे देते होते थे। लेकिन जब से ये 80% हुआ है 2015 से ऑनवर्ड, और 20 नंबर जीके का हुआ है, तो फिर इसमें से 10 नंबर की जो है ना, या बढ़िया 12 या 13 नंबर की वो आपको लिंग्विस्टिक्स देंगे, और वो बड़ी बेसिक्स होंगी, वो एडवांस वर्जन कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ये याद रखें, इंग्लिश लिटरेचर में जो मेन स्ट्रीम पेपर है वो आपका ग्रामर और लिटरेचर से बनाया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर अगर कोई 50 नंबर का पेपर बनाएगा ना, इसका यानी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगी 50 नंबर की लिंग्विस्टिक्स की, फिर वो तफसील में जाएंगे, फिर एन मुमकिन है वो ट्रांसक्रिप्शन तक जो है ना वो आपसे पूछ ले। लेकिन ऐसी जो हमारी डिवीजन है जिसमें 10 से 12 नंबर 15 नंबर आने हैं, वहाँ तो वो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं ना हमारे, उनकी डेफिनेशन, उनकी सब टाइप्स और उनकी जो टर्मिनोलॉजी, वही आप कर लें तो आपका जो है ना वो पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि करें फिर परफेक्शन के साथ, थोड़ा करें परफेक्शन के साथ करें, वहाँ एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको भी, अच्छा यार ये ए और बी तो नहीं है, सी और डी में मुझे डाउट है, काश मैंने एक मरतबा दोबारा पढ़ा होता तो मुझे ये डाउट भी खत्म हो जाना था। तो वहाँ ये ऑप्शन अभी वक्त है, जैसे आप कहते हैं ना मौत से पहले पहले, तो अभी मौत वाकया नहीं हुई हमें पेपर वाली, तो इससे पहले पहले आप ये काम कर दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर रह जाती बात जीके वाली। मैंने कुछ फाइल शेयर की हुई हैं, हम उनको दोबारा से कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाद में भी आए हैं कुछ लोग, तो उनके लिए भी ज़रा आसानी हो जाएगी, और हम उसको जो है वो क्या कहते हैं रिफ्रेश कर, तो जो चीज़ें जितनी एक सेंड करें हम आपको उतनी ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी फिर कुछ वेबसाइट्स भी हैं, कुछ ऐप्स भी हैं, अगर आप अपने रूटीन बना लें कि आपने 20 to 30 मिनट्स गुजारने हैं उस ऐप पे सिर्फ MCQs यानी जनरल नॉलेज करने के लिए, ये बात तो आप भूल जाएं कि सिर्फ और सिर्फ 80% जो आपका लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स ग्रामर पोर्शन है उसको देख के आप पास करेंगे, तो ये तो आप खाम ख्याली में रहेंगे। सो यू विल हैव टू बी एटलीस्ट 50% यू नो गेटिंग आउट ऑफ दिस 20, जो 20 नंबर के MCQ है जनरल नॉलेज के, उसमें कम से कम 10 आपके आने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि, उसके लिए बड़ा सीधा सा है, एक तो अखबार से अपडेटेड रहें और दूसरा उसका भी हम लिंक सेंड कर देंगे, उसके साथ आप जुड़े रहें बस, तो उसमें से आपके 10 12 भी आ गए तो उधर से आपके जो है ना वो कुछ ज़्यादा नहीं, 100 में से कोई 45 46 47 48 भी आ गए, 10 12 उधर से आ गए, तो आपका मेरिट 55 से ऊपर चला जाएगा, 56 7 इतना ही बनता है, इससे ज़्यादा मेरिट कभी भी नहीं बना तारीख में, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपके आपके दर पे हैं, आपके हाथ में हैं, हम कुछ चीज़ें यकीनन लिटरेचर के हवाले से और भी शेयर करेंगे, वो भी आपने देख लेनी है। हाँ, अब आ जाती है जी सबसे अहम अहम बात जो मैं अर्ज करना चाहूँगा, अगर आपने तैयारी की है और टेस्ट सेशन प्रॉपरली नहीं लिया तो यकीन मानिए कि आप नुकसान उठा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आपने तैयारी नहीं की पीछे और टेस्ट सेशन में अपनी जान मार ली है, तो आप समझें कि आप बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना वक्त को यूटिलाइज कर लेते हैं बंदा टेस्ट सेशन में, तो हम इसका एक टेस्ट सेशन भी शुरू करने लगे हैं, उसमें हमारी कोशिश है कि 10 टेस्ट जो है ना वो हम लेंगे, ट्वाइस अ वीक टेस्ट हुआ करेगा 3 दिन बाद,
और कोशिश होगी कि वो 100 नंबर का हो, जिस तरह आप कह लीजिए कि जी एलिजबेथन एज है, तो एज के लिहाज से जो टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे वो हम उसमें ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे। इससे आप अपने तौर पे पूरी एज को करेंगे, हम उसके जो 100 MCQs पॉसिबल हो सकते हैं उसको लेंगे। इससे ये होगा कि आपकी इंटेंस प्रिपरेशन उधर से हो जाएगी और टू द पॉइंट इधर से हो जाएगी जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। वो हम फिर ग्रुप में सेंड कर देंगे कि कब तक उसको जो है ना वो शुरू कर रहे हैं। इसको हमने थोड़ा एडवर्टाइज भी करना है, आपके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं आप उनको भी कह दीजिएगा, वो लोग भी। फीस इसकी हम हमेशा की तरह मुनासिब से रखेंगे, तो इस तरह की नहीं रखेंगे जो कि बच्चों को लगे कि नहीं ये भी उनसे कमाई की जा रही है, ज्यादती की जा रही है। क्योंकि आपको पता है, आपको अगर किसी को कहा जाए ना कि जी 25 नंबर का पेपर बनाना है और वो बंदा किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता भी हो, तो उसे लग पता जाए कि जी 25 मार्क का पेपर जो है ना वो बनाना है, हर ऑप्शन को देखना है, और इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो जहाँ 100 मार्क का बनेगा उसमें फिर आप देख लें कितनी एनर्जी, टाइम और फिर रिसोर्सेज जो है ना सारे लगते हैं। सो इस तरह से हम इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। देन वी कैन मूव ऑन टू आर क्वेश्चन आंसर सेशन फ्रॉम योर साइड। कोई सवाल जवाब है तो आप प्लीज पूछ लें, कोई आप दोस्तों को अच्छा मशवरा देना चाहें, क्योंकि आप सब समझदार हैं, आप जरूर इसको जो है ना वो दोस्तों से कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। ग्रुप्स जो हैं वो मेरे ख्याल से खुले हुए हैं, आप उनमें भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ग्रुप्स में वो दिल, गुर्दा, अंतड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें भेजने की बजाय, स्माइलीज भेजने की बजाय प्रोडक्टिव काम जो है ना वो करें। ये जो इल्म फैलाने वाला काम है ना, ये इनडायरेक्टली सदका भी होता है ना, तो आपका सदका भी निकलता जाता है, आप नजरे बद से भी बचते हैं, बरकत वाला आंसर भी हो जाता है आपकी कमाई में आपके। और ये याद रखें, जो रिस्क होता है वो सिर्फ पैसों की हद तक नहीं होता, वो अच्छे दोस्तों की शक्ल में हो सकता है, अच्छे बहन भाई, वालदैन की अच्छी सेहत, आपकी अच्छी सेहत, आपके इर्द गिर्द आपकी औलाद की अच्छी सेहत के हवाले से भी रिस्क जो है ना वो हो सकता है। इट्स नॉट ओनली यू नो मनी और मटीरियल थिंग्स जो है ना वो। सो अच्छी चीज आप जरूर फैलाएं, दोस्तों तक जो है ना वो करें, लेकिन जहाँ कुछ चीजें आती हैं कमर्शियली या प्रोफेशनली, तो फिर जो SOP है उसको आप जरूर जरूर जो है ना, क्योंकि वी हैव ऑब्जर्व ना, लास्ट टाइम भी हमने किया, तो उससे पहले भी, जाहिर है हमारा काम ही ये है, तो बहुत से बच्चे कुछ जो है ना वो सिंपथीज लेते हैं झूठ बोलकर, ठीक है। मैं किसी का नाम या किसी मतलब उसका नहीं कर रहा, तो हमें पता मतलब चल जाता है, इसलिए नहीं कि हम को गैब का इल्म रखते हैं, इसलिए कि वी हैव बीन थ्रू ऑल दिस चैनल ना, तो हमें अंदाजा हो जाता है। फिर जब हम उसको काउंटर वेरीफाई करते हैं तो कंफर्मेशन भी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को जो है ना वो फिर हमें थोड़ा सा उनकी वजह से फिर बाकी लोग भी थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। सो ये छोटी सी बात है, इसको हम तूल नहीं देते इस गुफ्तगू को, हमारा मकसद जो है ना वो मस्बत बातें फैलाना होना चाहिए, बाकी तो दुनिया कुछ भी आपकी तरफ से समझ सकती है। तो प्लीज अगर मैसेज ओपन है तो उनको आप इस तरह से यूटिलाइज करें कि आपका भी भला हो और आपके एक एक मैसेज से पढ़ने वाला जो है ना अगला बंदा उसका भी भला हो। ये ना हो कि इतनी लंबी चैट कर दी, ऊपर क्या है पता ही ना चले, और खाम खाम की जो है ना वो डिस्कशन लंबी हुई है। ओके अच्छा जी, हाँ ये दुरेशवार आपने बड़ा ही अहम सवाल पूछा है, थैंक यू वेरी मच। मैंने ये पॉइंट जो है ना वो बताना था लेकिन नहीं, मैं भूल गया था। अच्छा, सवाल उन्होंने किया है कि जो PPSC का हमारा पेपर है, तो क्या सारे के सारे सवाल जो है ना वो मार्क कर देने चाहिए। मैं आपको आज बता रहा हूँ जी, जितना मर्जी आसान पेपर आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि 60-65 से ज़्यादा जो है ना वो उसका मेरिट बन जाए। जितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, आसान आ जाए ना, तो आसान की खास तौर पर बात, अगर आपको लगे, देखिए आपको पता, अगर आपने पढ़ा है ना तो आपको पता चल जाता है कि पेपर आसान है या मुश्किल है। तो अगर तो आसान है
तो फिर कोशिश करें मैक्सिमम मार्क करने की ना, और जब भी तुक्का लगाना हो तो दो में से तुक्का लगाया करें। तुक्का हमेशा वो बंदा लगाता है जिसको पता हो कि ए बी आंसर नहीं है, सी और डी के अंदर आंसर है। तो ऐसा तुक्का हमेशा लगा देना चाहिए जो मर्जी हो। लेकिन अगर आपको लगे कि पेपर बहुत मुश्किल है और लोगों को पसीने आ रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, तो फिर आपको अगर उसमें से 50-55 आते हैं ना, तो दिल बड़ा करके मजीद ना लगा कर आए। लेकिन वहां बैठ के बंदा कहता है नहीं मेरा ये भी सही है, मेरा वो भी सही है, ओ ये तो मैंने पहले ही पढ़ा होगा, हाँ ये भी ठीक है। तो जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि नहीं भाई मैं वैसे तो पास था या पास थी, लेकिन मेरी ओवर स्मार्टनेस ने, जो मैंने हर एक के ऊपर टिक किया, मेरी नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैं 5 नंबरों से, 2 नंबरों से, 1 नंबरों से जो है मैं वो रह गया हूँ या रह गई। तो ये आपने बात जरा जहन में रखनी है। अगर पेपर मुश्किल हो तो 50 से 60 के दरमियान सफिशेंट है। मतलब अगर आपको पता ना 60 आंसर्स आपके करेक्ट हैं और पेपर मुश्किल है, तो दिल बड़ा करके छोड़ आए बाकी सारे का सारा। हाँ वो मार्क कर दें जिसमें आपको पता हो कि 50% मुझे मतलब आता है, 50% तो मैंने इसको ये करना है। अच्छा फिर एक और बात है कि जो अब निशान लगाते हैं ना, तो उसमें समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि एक दो सवाल ऐसे ही गलत हो जाते हैं जो आपको आते भी होते हैं। तो बी वेरी विजिलेंट जब आप सवाल पढ़ रहे हैं और मार्क कर रहे हैं। तो आमतौर पे होता है कि आपने 20 का A लगाना है, वो आप 21 का A लगा देते हैं, फिर उस पे जितना दुख होता है ना, बड़ा अफसोस होता है। इसका वैसे एक हल है, अगर कुछ ऐसा हो जाए ना, तो आपने ये करना है कि वो जो स्कॉच टेप होती है ना, वो थोड़ी सी लपेट के ले जानी अपनी फिंगर के ऊपर, समझ गए बात। स्कॉच टेप जो होती है ना, जो पैसे जोड़ने वाली टेप होती है, उसको जो है ना, या वैसे ही पॉकेट में डाल के ले जाए, या थोड़ी सी फिंगर पे लपेट के जो है ना वो ले जाए। अगर कोई ऐसा आंसर गलत हो जाए, आप उसको उसके ऊपर चिपकाएं उस आंसर पे, और थोड़ा सा प्रेस करें और बाद में उसको जो है ना उतारें। 3-4 बार ऐसा करने से जो आपने मार्क किया होगा ना स्याही के साथ, वो जनाब उतर जाएगा। कैसा? ये एक एक नंबर, हमारे साथ एक दो बच्चे ऐसे हैं जो 1 और 2 नंबर से रहे हुए हैं पिछली बार, और 1-2 नंबर ऐसे ही गलत हो जाता है, और फिर हमने कोई स्ट्रेटजी भी नहीं बनाई होती कि अच्छा जब ये जो गलत मार्क हो गया है, आंसर हमें आता है लेकिन हमने ऑप्शन गलत टिक कर दी, तो फिर जो है ना वो, अब देखे ना सुमेरा, आंसर शीट डैमेज नहीं होगी, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है तरीका का, ठीक है। और माशाल्लाह आप लोगों के आईडी कार्ड बने हुए काफी अरसा हो गया, यानी मेच्योर हैं आप लोग, अब तो एक्सपायर होने वाले होंगे, तो आपको इतनी नफासत माशाल्लाह मुझे यकीन है कि आती है। बस अप्लाई करें, आप अपने ऊपर एतमाद करें, ऐसा ज्यादा नहीं होना, एक आध का ही होना है, मतलब जो है ना वो एक आध, ऐसा हर मुझसे तो हो जाता है हर बार ना, एक आध सवाल जरूर गलत हो जाता है, मुझे आता होता है, लेकिन मैंने ए लगाना है बी लगा दिया, यानी 21 का मैंने लगाना है तो मैंने 22 का लगा दिया, क्योंकि सपोज मैंने 20 लगा लिए, 21वां सवाल मुश्किल, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं बाद में करूंगा, अब मैं 22वां सवाल पढ़ना शुरू हो गया हूँ, तो जनाब हूँ मैं उधर ऊपर 21 पे, तो 22वें का जवाब 21वें लगा के खत्म, मैं मतलब ऑप्शन ही उड़ा दी। तो दिस इज वन वे जिसको कि हम जो है ना वो इस तरह से चला सकते हैं, ठीक है ओके। अच्छा जी, और कोई सवाल है तो जरा पूछें भी जरा इस तरह का। नेगेटिव मार्किंग, हाँ बिल्कुल, ये नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए ही था, बिल्कुल ओके हो गया जी। आगे व्हाट एल्स? वो कैब का टेस्ट एंड पे अरेंज करिएगा, बिकॉज डेली 10 से ज्यादा नहीं होते। हाँ ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी, 10 10 करके भी आप कर लें तो बड़ी बात है, और उसको हम एंड पे रख देंगे। शेड्यूल हम नेक्स्ट वीक आपको शेयर कर देंगे टेस्ट का, और फिर रजिस्ट्रेशन करा के जाहिर है बच्चे उसमें जो है ना वो शामिल हो जाएंगे, और 3 4 दिन उस मकसद के लिए भी चाहिए होते हैं, और हमें जाहिर है टेस्ट बनाने में भी टाइम लगेगा, दैट इज़ द टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है जी पेपर कब तक है, तो पेपर अभी जो सूरत हाल लग रही है ना, मुझे लग रहा है कि ये पेपर अप्रैल में चले जाएंगे, ठीक है शुरू ये हो जाएंगे मार्च में, लेकिन इंग्लिश का जो पेपर है हमारा
वो मिड अप्रैल तक जो है ना वो होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने उसको जो है ना वो बहुत ज्यादा ढीले नहीं पढ़ना कि नहीं ये अभी इतना टाइम आ गया। यकीन माने दुनिया में अगर कोई पेपर आसान तरीन है ना पास करना पीपीएससी में, तो वो अपने सब्जेक्ट का पेपर होता है। मेन वजह क्या, क्योंकि आपका मुकाबला आप जैसे लोगों के साथ है। अभी तहसीलदार का हुआ था ना जी मुकाबला, तो तहसीलदार में आधे से ज्यादा इंजीनियर लोग थे। इंजीनियर लोग जो हैं उनकी पढ़ने की कैपेसिटी आर्ट्स वाले बंदों से ज्यादा होती है। अच्छा, अगर इसी में आप जो है ना वो शामिल कर लें एमबीबीएस बंदों को भी, क्योंकि बहुत से एमबीबीएस लोगों ने भी तहसीलदार का पेपर दिया, आप जानते हैं, और पास भी किया। तो अब जो एमबीबीएस वाला बच्चा है उसकी तो कैपेसिटी ऑफ लर्निंग और हार्डवर्क, और वो तो 15 से 18 घंटे बैठ के काम कर सकता है। लेकिन एक आर्ट्स वाला बंदा जो है ना, जिसका एमए इंग्लिश है, जिसका बीएस इंग्लिश है, वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो 10 घंटे, 10 घंटे भी बड़े होते हैं। वो 10 घंटे जिस दिन पढ़ ले, वो तो एक हफ्ता पढ़ता नहीं है बच्चा आर्ट्स वाला, करता लो जी मैं तो जरा कला जो है ना कर लिया मैंने फता। तो ये एक जो है ना वो सिलसिलाकार होता है, ठीक है। अच्छा जी, हाईवेज में क्या नाम है भी उनका सुनहरा? जाहिद सईद सर। अच्छा, राणा जाहिद तो नहीं कहीं वो? अच्छा, चलो शुक्र है, बच गया फिर। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज। एंड मैं इसलिए कहता हूँ कि लेक्चरशिप का पेपर पास करना ज्यादा आसान है बनिस्बत कोई तहसीलदार का कोई, क्योंकि उसमें तो जमघटा होता है, हर सब्जेक्ट से बंदा जो है ना गुस्सा होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होते हैं। और अब आप खुद अंदाजा लगाइए ना कि 60 सीटें थी और 1 लाख बंदे ने अप्लाई किया हुआ था। अब आप लोग अगर अपने बारे में देखें तो उस प्रपोर्शन के साथ जो फीमेल की सीटें कितनी है जी जरा बताएं, बताइए जरा भी फीमेल की कितनी सीटें हैं, मुझे तो भूल ही गया ऐड शेड भी। नहीं 300 तो नहीं है भाई, क्या हो गया जवेरिया? हाँ ये 200 समथिंग है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एप्लीकेंट जो है ना वो 30,000 से भी कम है मेरे ख्याल से, 30,000 के लगभग है। और सीटें 6 गुना है, 7 गुना है, और जो एप्लीकेंट्स हैं वो आप कह लीजिए कितने गुना काम है, ऑलमोस्ट 70% काम है एप्लीकेंट्स। तो इन दिस केस भी अगर आप कहें कि जी आपके पास ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, और फिर और यकीन माने मोर देन 50% लोग किताबें तब खरीदते हैं जब डेट शीट अनाउंस हो जाती है, शेड्यूल अनाउंस हो जाता है जी 5 दिन बाद पेपर है, 10 दिन बाद पेपर है, ठीक है। तो एक हम बुक, हाँ 20,000 है। अच्छा, ये तो और बहुत ही अच्छा हो गया है। मेल की 38 है इस बार, मेल की कम सीटें नहीं। तो एक बुक भी हमने जो है ना वैसे कंपाइल ऑलमोस्ट कर ली है, 1 हफ्ते तक या 10 दिनों तक जो है ना मे भी हम एक बुक जो है ना अपनी इलेक्ट्रिशिप वाली वो भी मार्केट में लें, तो उसमें हम कोशिश करेंगे पास पेपर भी शामिल कर लें और बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो उसको भी हम जाहिर है शामिल मौजू कर सकते हैं बाद में, बट वो भी चीज़ें आने वाली हैं, जब आए तब आए। सो इन दैट केस भी 38 सीट्स भी जो है वो मेल की भी आप देखें ना, तो उसमें भी कितना है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इस 20,000 में मैं अब बड़े ही अदब के साथ आपको कहने लगा, और आपने मानना नहीं है मेरी बात को ना, आपने कहना है सर झूठ बोल रहे। इस 20,000 में जिन लोगों ने अप्लाई किया ना, हार्डली कोई 2,000 से 2,500 लोग जो है ना मेहनत करेंगे, प्रॉपर तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं जान मारेंगे। बाकी जो 15,000 या 16-17 हज़ार लोग हैं ना, उन्होंने बस आधे ने ये कहना है कि जी देख लेंगे जो होएगा टेस्ट, आधे से ज़्यादा जो है ना वो ऐसे होंगे जो कि कहेंगे कि जी मेरी तैयारी है इतनी क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया था, तो अब मुझे जो है ना वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जबकि दीज बोथ दीज थिंग्स आर पोल्स अपार्ट जिसको हम कहते हैं ना, वो इस तरह से, ठीक है, समझ आती है बातें सारी। हाँ जी, और जी बुशरा।
और कोई सवाल है तो बताइए जरा। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, कोई कहा सुना हुआ तो उस पर माजरत। बाकी ये है कि आई एम ऑलवेज देयर, कुछ लोग ना रابطہ करने में डरते हैं, तो प्लीज आप जो है ना वो मैसेज छोड़ दिया करें, ठीक है, वॉइस नोट छोड़ दिया करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर जरूर जो है ना वो कर दिया करूंगा। हाँ, वो फीस वगैरह हम सेंड कर देते हैं, और जनरल नॉलेज जो है उस पे भी मैंने आपको कहा है कि जी कुछ चीज़ें हम और सेंड करेंगे, उनको आप करके तो उससे जो है ना वो फायदा ले सकते हैं जनाब। ठीक है, इंशाल्लाह दैट विल बी यूजफुल। फीस वैसे कितनी होनी चाहिए, जरा आप में से अगर कोई मशवरा देना चाहे तो। अगर हम को तकरीबन 10 टेस्ट करें एज वाइज, तो कितनी एक फीस होनी चाहिए? 2,000। अनम मंजूर कहती हैं। अच्छा जी अनम, वेरी गुड। और जी कोई और बंदा जो के पाक स्टडीज के नोट्स? हाँ 2,000, ठीक है। पाक स्टडीज का क्या था? एक मिनट जी, पाक स्टडीज। अच्छा जी, 1,500 की आवाज भी आ गई। लाओ लाओ बोली उस्तादा दी, लाओ जरा शाबाश, सस्ते ही बिकाओ इन्हों, मुफ्त ही बेचो। ठीक है, चलें भी, थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें फिर हम इंशाल्लाह हसबे मामूल फोन पे करेंगे, और डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट। एंड यस, नहीं 5,000 थोड़ी ज्यादा हो जाएगी फरीहा सैयदा साहिबा। वैसे तो हम ये 5 के डिजिट को बड़ा वैल्यू करते हैं, लेकिन इस बार जो है ना वो 5 थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, हम इसको थोड़ा नीचे नीचे इंशाल्लाह जो है ना करेंगे। हम उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं, बिजनेसमैन बनने की कोशिश नहीं करते, तो आप भी दुआ करें कि हम कभी भी बिजनेसमैन ना बने। दुआओं की दरख्वास्त है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे। आई विल बी कनेक्टेड विद यू गाइज थ्रू ग्रुप। इससे पहले तो आपने मुझे ग्रुप में बहुत कम देखा है, लेकिन नाउ आई विल बी एक्टिव इन ग्रुप, क्योंकि आप लोगों के ऊपर अगर कोई डंडा लेके ना ना बैठे तो आप लोग डिले हो जाते हैं, तो इनशाला हम जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये जो फीस है ना, ये जाहिर है सभी देंगे, अभी जो बच्चे नहीं हैं वो भी, और जो क्योंकि तो बहुत सारे बच्चों ने अभी हमसे रब्ता किया, तो हमने कहा सेशन खत्म हो गया, अब आप टेस्ट दे दें, और फिर आपके इर्द गिर्द भी जितने भी लोग हैं उनको भी आप कह दें। अच्छा मशवरा भी जो है ना वो उनके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है जी, चेक नीडिड क्या मतलब? यस प्लीज, चेक नीडिड क्या? चेक नीडिड कुड़िए की मतलब तेरा? अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही, थैंक यू वेरी मच भी, अल्लाह हम सबका आमीन आसर हो। मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई बात रह गई हो तो अधूरी। थैंक यू, फी अमानिल्ला। हाँ चेक एंड बैलेंस रखेंगे, जरूर रखेंगे, फी अमानिल्ला। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।